चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। डिक्टेशन गति 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। आज बाजार में तेल एक हफ्ते से नहीं है, कभी भी आप घर से रेन कोट ले जा सकते हैं। अभी भी बहुत से युवक खेल में भाग लेने नहीं आ सके। आप बागान में पहुँचे तो आपके विभाग के लोग भी पहुँचे। हम और तुम आज भी मौके का फ़ायदा नहीं उठा सकते। नाप तौल विभाग आज कम तौलने वालों को चेक करेगा। हम देखते हैं कि आज आप तालाब में तैरते हैं या नहीं। नौका में बैठने का आज अच्छा मौका है। आपका पोता चोट लगने से घायल हो गया था। आपके कैमरे से हम बहुत से फोटो ले सकते हैं। आज आपका लेख अगले पेज पर छपा है। गौतम औजार से खेलता रहता है। पलक झपकते ही लाखों रुपए की चल अचल संपत्ति आग में स्वाहा हो गई। जलती बसों से लोगों को बाहर निकालने में काफ़ी परेशानी हुई। बस के एक बलवान खलासी ने जल सेना व थल सेना के कुछ घायल कर्नलों को बाहर निकाला। कुछ पागल बलवा करने वालों ने पास के एक महल में दाखिल होकर मुगल कालीन पीतल के गुलदानों व अनमोल कलाकृतियों आदि को नष्ट कर दिया। कुछ पल में ही यह समाचार टेलीविजन से सारे देश में जंगल की आग की तरह फैल गया। मालूम हुआ है कि एक दल के लोगों ने बलवे के दौरान बोतलों, चप्पलों, बल्लमों, तलवारों तथा फरसों का उपयोग किया। इससे लोगों में खलबली मच गई। पुलिस ने चिलमन क्लब व गुलनार मल्लशाला में छुपे बलवा करने वालों को पकड़ा तथा उन्हें जेल में डाल दिया। पिछले 4 महीनों से चल रहे जेल भरो आंदोलन के अपराधियों ने जेल में अचानक बिजली के गुल हो जाने के कारण एक ही दल के पकड़े गए लोगों को भाग जाने में सहायता की। यहाँ दिल जलाने वाली बात तो यह हुई कि कुछ गलतफहमी के कारण तालुका पुलिस ने समाज कल्याण विभाग, जल विभाग व बिजली विभाग के कर्मचारियों को भी तलाशी के दौरान परेशान किया। उच्छृंखल लोगों को पकड़कर पुलिस फिलहाल स्थिति को काबू में करने की बात कह रही है। जिन अपराधियों को के चाल चलन पहले से ही ठीक नहीं थे अथवा जिन दलों ने कलकत्ता में हड़ताल करने की धमकी दी थी, उन्हें यदि पुलिस पहले ही पकड़कर जेल में बंद कर देती तो यह क्लेशकारी मामला ही नहीं होता। दिल्ली से मिली खबरों के अनुसार इस मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। ऐसा पता चला है कि अवैध रूप से पिस्तौल आदि रखने वालों के खिलाफ पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी।
लोगों की यह आम राय है कि आज के युग में दयावान तथा त्यागशील लोग कम ही मिलते हैं। आज की दुनिया में ईर्ष्यालु लोग बहुत मिल जाएंगे, लेकिन त्यागी लोगों का मिलना मुश्किल है। आधुनिक युग में यह ध्यान देने की बात है कि न्यूज एजेंसियां अपना काम बराबर कर रही हैं या नहीं। आज के युग में नित नए नए आविष्कार हो रहे हैं जो सभी लोगों के लिए लाभप्रद हैं। संध्या काल से ही शहर के सारे ज्योतिषी अजायब घर में इकट्ठे हो गए थे ताकि ज्योतिष विद्या पर विस्तार में चर्चा कर सकें। प्रिय वाक्य बोलकर ही सत्यवादी लोग अपने चातुर्य का प्रदर्शन कर सकते हैं। अभय, अजय और विजय कल शहर में अजायब घर व रमणीय उद्यान देखने के लिए गए थे। आधुनिक युग में यमराज या यमदूत के किस्से कम ही सुनने को मिलते हैं। वे लोग वाक्य विन्यास ठीक से नहीं कर पाए थे, इसलिए अपने चातुर्य का प्रदर्शन नहीं कर सके। आप कौन हैं और आप किसके लिए आए हैं? कई लोग दवाई खाने के बाद खटाई नहीं खाते हैं। आइए आज आप चतुराई से कोई बढ़िया टिकिया बनाइए। माया और पायल ने नुमाइश में टोकियों की बढ़िया मिठाइयाँ बनाई। एशियाई खेलों में कई देशों की टीम भाग लेने के लिए आई थी। आओ हम सब कोई भलाई का काम करें ताकि देश से बुराई खत्म हो। झगड़े में हाथापाई से इकाई का बॉयलर फट गया और बहुत सी धातुओं को नुकसान हुआ। रसोई में जो कुछ भी सामान फैल रहा है वह सब बिकाऊ है। चूंकि आप आए इसलिए मुझे भी कुछ लोगों से आने के लिए कहना पड़ा। लड़ाई शुरू होने से पहले ही कुछ लोगों ने माइक भी तोड़ दिया। नायक साहब भलाई करने गए थे, बुराई उनके हाथ लगी। आपकी आय अधिक है इसलिए विभाग ने आपकी सुनवाई नहीं की। हुगली नदी के पास होली के दिन हॉकी का मैच आयोजित हो रहा था, तभी दो गुटों के बीच आपसी कहासुनी पर हाथापाई हो गई। थोड़ी देर में ही सारा माहौल हिंसा के रूप में परिवर्तित हो गया। दोपहर होते होते हिंसा पर काबू पाने के लिए हर इलाके में पुलिस टुकड़ियां तैनात कर दी गईं। हर्षोल्लास के साथ हॉकी मैच देख रहे लोग अचानक ही अपने होश हवास खो बैठे। कई बेगुनाह लोग हमले के कारण लहूलुहान हो गए। कई साहसी लोग जगह जगह हो रही हाथापाई को उत्साह के साथ देख रहे थे। पुलिस ने एहतियात
हिंसक लोगों को हिरासत में लेकर हवालात में भेज दिया। विराम।